बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव दुष्कर्म जैसे जघन्य कृत करने वाले का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा। आपको बता दें कि कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप हुई, और यह रेप ऐसी वैसे नहीं। एक बार फिर से निर्भया हत्याकांड और जघन्य बलात्कार हत्याकांड की याद दिला दिया। ऐसे में पूरा देश उबल रहा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने एक बार फिर से बताया कि आखिर यह दुष्कर्म तो दुष्कर्म है और इसकी सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर ममिता देवनाथ के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट के साथ कैंडल मार्च में उन्होंने शामिल हुए और उन्होंने कहा, यह बेहद दुखद है। घटना की जानकारी उन्होंने कहा कि जानकर स्तब्ध हूँ, व्यथित हूँ। उन्होंने कहा, यह अत्यंत शर्मनाक है, अमानवीय है। ऐसी घटनाओं से निजात के लिए हम सभी को मिलकर संघर्ष करना होगा। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश भी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भी कहा कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी और संज्ञान में आकर दुष्कर्मी को फांसी मिलनी चाहिए, अन्यथा सीबीआई जांच होगी। बहरहाल आपको बता दें, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। अब देखना होगा कि आखिर इस तरह के हत्याकांड, बलात्कार और जघन्य बलात्कार के खिलाफ आखिर सरकार क्या कुछ करती है। निर्भया बलात्कार कांड के बाद सरकार ने कई कानून बनाए, पॉक्सो एक्ट लाया, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत में ऐसे जघन्य बलात्कार और अपराध हत्या की घटना में कोई कमी देखने को शायद नहीं मिल रही है, और इसके लिए सरकार को और भी सख्त कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, कोलकाता। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।